कैसे हैं स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 3 है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक घनाभ बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस घनाभ में क्या क्या चीज़ होती है पहले वो समझ लो। ये जो होती है इसको हम कहते हैं लंबाई, जिसको मैं एल से दिखा देता हूँ। ये जो है इसको हम कहते हैं चौड़ाई, जिसको मैं बी से दिखा देता हूँ। और ये जो है इसको हम कहते हैं ऊंचाई, जिसको मैं एस से दिखा देता हूँ। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछी गई है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। और जानकारी क्या क्या दी हुई है, इसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये घनाभ है, घनाभ कैसी सतहों से मिलकर बनता है स्टूडेंट्स, आयताकार सतह से। देखिए जैसे कि एक सतह ये हमारी सामने वाली, कैसी ये आयताकार सतह, ऐसी ही 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये जो मैंने कलर किया हुआ है ये क्या होगा, इस घनाभ का आधार। तो इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी, जो हमें दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसका अगर हम आयतन निकालें तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमें दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें जो जो दिया वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब ये जो नीचे वाली सतह है इसका क्षेत्रफल, और इसका हमें आयतन दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस घनाभ का हमसे पूछा है घनाभ की ऊंचाई, जिसको हमने एस से दिखा दिया है। तो जो दिया है इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे घनाभ के आधार जो कि कैसा होगा, देखिए आप यहां देख सकते हैं आयताकार है, तो यहां लिख सकते हैं हम आयताकार, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल निकालें स्टूडेंट्स इस आधार का, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, एल गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार एल इंटू बी हमें दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप बोल दो समीकरण एक, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें दिया घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन किस फॉर्मूले से निकालते हैं स्टूडेंट्स, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और ये भी हमें दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहां लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसी घनाभ की हैं, ठीक है, इसको आप बोलो समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण सेकंड हमारी क्या ये है, इसमें L इंटू बी दे रखा है हमें एक जगह, तो यहाँ L इंटू बी समीकरण एक में क्या है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस L गुणा बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि L गुणा बी हमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ L गुणा बी की जगह हम क्या लिख देंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा बचा क्या H बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या हमें, H निकालना है, तो H बराबर क्या होगा 900 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ H के साथ ये चीज़ गुणा में है तो ये चली जाएगी साइड चेंज करके बटे में, यानी 180। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर से एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरे से दूसरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 एक कम 18 और 18 पंजे 90, ठीक है। तो हमें H बराबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पाँच सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका
आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।